हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। रोहित गांव में खुंबी में शेडों में लगी स्पार्किंग से आग, 12 लाख के नुकसान का अनुमान। बिजली की लाइन का तार टूटकर खुंबी के शेड के पास गिरने से लगी आग। सोनीपत का मुरथल व खरगुदा क्षेत्र का रोहित गांव सोनीपत जिले मंग सर्वाधिक खुंबी का उत्पादन करता है, जिसके चलते सोनीपत हरियाणा ही नहीं पूरी एशिया में खुंबी उत्पादन में अपना विशेष स्थान प्राप्त कर रहा है। शनिवार की शाम को इस एरिया से गुजरने वाली बिजली की जर्जर लाइनों का एक तार टूटकर खेतों में जा गिरा, जिससे उठी चिंगारियों के कारण आग सुलगती हुई खंभों के शेडों तक पहुंच गई, जिससे किसान देवेंद्र ने आधा दर्जन से अधिक खुंबी के शेड जलाकर राख हो गई। मामले की सूचना दमकल केंद्र को दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन इस आगजनी में किसान देवेंद्र को करीब 12 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। हालांकि ग्रामीणों ने सीएम मनोहर लाल के सामने खेतों से गुजरने वाली जर्जर लाइनों को बदलने की मांग रखी थी और सीएम साहब ने जल लाइनों को बदलने के निर्देश मंच से ही जारी किए थे, लेकिन अभी तक इन खेतों से गुजरने वाली जर्जर लाइनों को दुरुस्त नहीं किया गया। मौके पर पहुंचे ब्लॉक समिति चेयरमैन राजपुर दहिया ने कहा कि किसान देवेंद्र को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा रोहट गांव खुंबी उत्पादन का हरियाणा का मुख्य केंद्र है, इस तरह की वारदातों से बचा जा सके इसके लिए रोहट गांव में एक दमकल केंद्र की गाड़ी की व्यवस्था कराई जानी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर सोनीपत व खरखुदा के बाहरी गाँव को जल्द सुविधाएं मिल सके व आगजनी से कम नुकसान हो सके। अंदर किसान को जो मशरूम का नुकसान हुआ है इसकी भरपाई की जाए, और मैंने अब जो ये मौका देखा है, ये मेरे हाथ में मशरूम की जो खुम्बी बोलते हैं हम इसको, मेरे हाथ में ये जड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है, और अभी ये चालू हुई थी 2-4 दिन पहले से, तो इसमें जितना खर्चा आना था वो सब इसने कर्जा लेकर और अपना खर्चा किया है, और आज ये बिल्कुल सारे के सारे फार्म जो लगा रखे थे मशरूम के, ये बिल्कुल तड़कर नष्ट हो गए, राख हो गई, ये आप देख रहे हो। और इसमें जो हमारी जो फसल जो दिख रही है मशरूम की, ये अभी चालू हुई थी, तो मैं ये सरकार से ये विनती करता हूँ कि मेरे भाई देवेंद्र का जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई की जाए, और 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं डीसी साहब से मिलूँगा, SDM साहब से मिलूँगा, और इसकी जो नुकसान की भरपाई है इसके लिए मैं पूर्ण प्रयास करूँगा। मैं राजवीर चेयरमैन ब्लॉक समिति कर पाऊँगा। आज जैसे मैंने रोट गांव का मौका देखा, तो हमारे पूरे हरियाणा में एक रोट गांव ऐसा है जो सबसे ज़्यादा मशरूम की खेती करता है, तो आज लोग भयभीत हैं क्योंकि रोट गांव में सबसे ज़्यादा मशरूम की खेती करते हैं, और यहाँ बहुत सारे बेरोजगारों को रोज़गार मिल रहा है, तो मेरी सरकार से ये प्रार्थना है कि यहाँ एक फायर स्टेशन की यानी फायर ब्रिगेड की गाड़ी गांव रोट में उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि हमारे जो ये किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, ये जो अग्नि हुई है, जो बिजली के तार झंझर हो चुके हैं और वो टूटकर जो गिरे और उनसे 10-12 साइड खुंबी के नष्ट हो गए, तो मेरी सरकार से ये प्रार्थना है कि यहाँ एक गाड़ी की भी व्यवस्था की जाए। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पहुंचे सोनीपत। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज रविवार को दोपहर के बाद सोनीपत में विधायक मोहन लाल के निवास स्थान पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जा चुका है, अब किसानों को भंगड़ा पाते हुए वापस चले जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार पर भी कहा कि मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, निर्णय उन्हीं का है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सोनीपत में कहा कि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ लोकतंत्र को बेहतरीन उदाहरण पेश करते हुए गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव पर सुबह 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की थी, उसी दिन किसानों को ढोल बजाते हुए भंगड़ा करते हुए जलेबियां खाते हुए चले जाना चाहिए था, लेकिन आंदोलन के पीछे कुछ ताकतें हैं जो खेल को खराब करना चाहती हैं। अनिल विज ने कहा कि आंदोलन के पहले दिन से पूरा साल किसानों ने यही किया कि सरकार 3 कृषि कानूनों को रद्द कर दे तो वे घर वापस चले जाएं, लेकिन कृषि कानून रद्द होने के बाद भी किसान वापस नहीं गए। किसानों ने कुछ मांगे रखी थी और कुछ नाम भी दिए हैं जिन पर सरकार काम कर रही है। अब ऐसा लग रहा है कि यह मामला समाधान की ओर है। जहां तक मुकदमे वापस लेने का सवाल है, तो देखना होगा कि सोनीपत की गठित कमेटी क्या बातचीत करती है, उसी बातचीत को सिरे चढ़ाया जाएगा। मंत्री जी, जिस तरह से
मंत्रिमंडल की विस्तार की बात आ रही है, तो सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, वही इस पर बात कर सकते। सर, जिस तरह से किसान आंदोलन चला, यहाँ पे 3 कृषि कानून वापस हो चुके हैं और अभी 7 तारीख दे रहे हैं, तो क्या कहना चाह रहे हो सर, वापसी हो जानी चाहिए? देखो, असूलन तो पहले दिन से पूरा साल हर प्रिंट मीडिया में, हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इन्होंने यही कहा कि जब 3 कानून वापस हो जाएंगे हम घर चले जाएंगे। और मोदी जी ने स्वस्थ लोकतंत्र का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करते हुए गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के प्रातः उन्होंने स्वयं अनाउंस कर दिया कि तीनों बिल वापस हो गए। तो उस दिन इनको भंगड़े पाते हुए, ढोल बजाते हुए, जलेबियां खाते हुए अपने अपने घरों को वापस चला जाना चाहिए था। लेकिन इनके पीछे कुछ ताकत रहती है जो इस खेल को खराब करके रखना चाहते हैं। अब इन्होंने कुछ मांगे रखी थी, इन्होंने कमेटी बनाओ, सरकार ने कमेटी बना दी है, इन्होंने 5 आदमी अपने दे दिए हैं, सरकार तुरंत कमेटी बनाकर उस पर कार्रवाई करेगी। कुल मिला के है, लगता है ऐसा है कि अब ये मामला सारा समाधान की ओर बढ़ रहा है। विच सब 5 लोगों के नाम सरकार की तरफ से मांगे गए थे, जिसमें सबसे पहले राकेश टिकैत का नाम सुनने में आया था, लेकिन वो बसते हुए नजर आए, किस नज़रिए से दिखते हैं? 5 नाम दे दिए हैं, उनमें है राकेश टिकैत का नाम। तो मुकदमे वापिस लेने की जिक्र चल रहा था सर। अब देखिए, ये क्या बातचीत होती है, जो बातचीत होगी उस बातचीत को सिरे चढ़ाया जाएगा। ठीक है सर, ओके। करनाल में प्रदेश के डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और मांग की कि उनकी मांगी तत्काल प्रभाव से मानी जाएं। खरगोदा के डॉक्टरों ने भी लिया हिस्सा। प्रदेश के डॉक्टर एसएमओ की डायरेक्ट नियुक्ति व अन्य मांगों को लेकर एकत्रित हुए थे। आइए बात करते हैं एसोसिएशन के सदस्य डॉक्टर हेमंत से, उनका क्या कहना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत नागर, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन सोनीपत। आज हमारी करनाल में रेड कार्पेट लान करनाल के अंदर जनरल बॉडी मीटिंग हुई है, जिसमें प्रदेश भर से सभी जिलों से डॉक्टर से एकत्रित हुए और ओएसडी टू सीएम मिनी सेक्रेटरेट में हमने सीएम के नाम मेमोरेंडम जो ज्ञापन है ओएसडी साहब को सौंप दिया है, जिसमें हमारी 3 मुख्य मांगे हैं कि नंबर 1 कि एसएमओ की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो ना की जाए, जिससे हमारे जो हमारे सीनियर्स हैं जो एसएमओ प्रमोट हो सकते हैं उनको प्रमोट किया जाए। दूसरी जो हमारी मांग है वो स्पेशलिस्ट कैडर है, समय स्पेशलिस्ट कैडर को बनाते हुए हमारे जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं, हमारी इन सर्विस जो डॉक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए स्पेशलिस्ट कैडर को बनाया जाए। हमारी जो तीसरी मांग है वो है पीजी पॉलिसी। जो पीजी पॉलिसी हमारी करंट में है उसमें हमें रूरल सर्विस के मुताबिक 10-20-30% का जो क्राइटेरिया है उसको मद्देनजर रखते हुए और उसको भी रखते हुए हमारा जो 40% एचसीएमएस कोटा है उसको भी लागू करने का हमारा जो ज्ञापन, हमारी जो मांगे हैं वो हमने मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम दिया है और एचसीएम एसोसिएशन ने पूरे हरियाणा प्रदेश में अलग अलग जिलों में मेमोरेंडम 23 नवंबर से हम अलग अलग डेट में हर एक जिले में दे रहे हैं। एचसीएमएस जो स्टेट एसोसिएशन है उसके आह्वान पर अगर हमारी सरकार मांगे नहीं सुनती है तो जो हमारे जो निर्देश हमें स्टेट एसोसिएशन से मिलेंगे कि 13 तारीख को जो सोमवार है उस दिन हम ओपीडी बंद कर सकते हैं अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो। ये जो मांगे हैं ये अकेली सरकारी डॉक्टर्स की नहीं है, जो सरकारी डॉक्टर्स हैं वो अपनी मांगों के लिए जो लड़ रहे हैं वो हर एक जो आमजन है उसको इसका फायदा होगा भविष्य में। तो इसलिए हम ये सरकार से चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री साहब से चाहेंगे कि हम जो सरकारी डॉक्टर्स हैं हमारी जो परेशानियां हैं उनको दूर करें और हमारी मांगों को पूरा करें। धन्यवाद। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत किया एक दिवसीय कैंप, रविवार को शहीद दलबीर सिंह राजकीय महाविद्यालय पीपली राष्ट्रीय सेवा योजना का एक दिवसीय कैंप लगाया गया। कैंप में स्वयं सेवकों ने महाविद्यालय में के पार्क स्कूल के मैदान में श्रमदान किया। एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर संगीता मानी एनएसएस से संबंधित सभी गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया कि विद्यार्थियों को अधिक से कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कहा। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य संगीता सप्रा ने विद्यार्थियों को सामाजिक कार्यों में योगदान देना, पर्यावरण बचाव के उपायों व अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए जागरूक करना, इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से बचाव के लिए उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
महाविद्यालय प्रभारी किरण सरोहा ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। कैंप में विद्यार्थियों के साथ संदीप आनंद व सतीश माली ने कैंप के कार्यों में सहयोग किया। फ्री महिला चिकित्सा कैंप 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2021 तक ट्यूलिप अस्पताल सोनीपत में। महिलाओं से जुड़ी किसी भी बीमारी के लिए संपर्क करें। डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा, एंडोस्कोपिक सर्जन एवं IVF स्पेशलिस्ट। स्त्री ऑपरेशन पर 50% तक छूट। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए संपर्क करें 9871414531। दोस्तों, मैं एक बात से और अवगत कराना चाहूँगा आपको कि पिछले कुछ दिनों से हार्ट अटैक के पेशेंट निरंतर बढ़ ही रहे हैं। हमें रोज़ आजकल, कल रात को भी एंजियोप्लास्टी हुआ है, दिन में 2 पेशेंट हार्ट अटैक के रोज़ आ रहे हैं। तो इसका रीज़न स्ट्रेस और स्मोकिंग और लैक ऑफ एक्सरसाइज है। प्लीज़ कोविड के बाद, डेंगू के बाद अब हार्ट अटैक का एपिडेमिक ना आ जाए, इसका ध्यान रखें। और हम चाहेंगे आपसे कि आप स्वस्थ रहें, अटैक से बचे रहें। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि सारी सर्विसेज हार्ट से रिलेटेड ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत में अवेलेबल हैं। एंजियोग्राफी, स्टेंट डालना, एंजियोप्लास्टी, सारा कुछ अवेलेबल है। खरखौदा में भी ये सारी सर्विसेज सेठी हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। और हफ्ते में 4 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार मैं खरखौदा में आता हूँ। कोई भी मरीज किसी भी तरीके से हमें कहीं दिखाना चाहे तो हम अवेलेबल हैं, आपके साथ हैं। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।